हेलो स्टूडेंट, आज क्लास टेंथ के द्विघात समीकरण के एक्सरसाइज 4.1 को बताने जा रहा हूँ। मैं आशीष आनंद आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो आज हम एक्सरसाइज 4.1 को देखेंगे। जैसा कि 4.1 जो हमारी प्रश्नावली है उसके फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण, मैंने क्या निम्न द्विघात समीकरण है, यानी यहाँ हमारे पास 8 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें से कौन द्विघात समीकरण है उसे जांच कर बताना है। तो जैसा कि हमें पता है कि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म का होता है, तो सर्वप्रथम हमें इसको सिंप्लीफाई कर देखना है कि उस फॉर्म का समीकरण आता है या नहीं। तो एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर है, तो जैसा कि यहाँ दिया गया है एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, तो इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट करेंगे। तो ए स्क्वायर, ए का वैल्यू एक्स है, तो एक्स स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो टू इंटू एक्स इंटू वन प्लस बी स्क्वायर, बी का वैल्यू वन है तो वन का स्क्वायर वन, 2 से एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, सारे टर्म को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x प्लस 1 प्लस 7 सॉरी प्लस 6, ये 2x है तो 2x कैंसिल आउट हो गया, यहाँ बचा एक्स स्क्वायर प्लस 7 जो कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म का है, या हम यू कहेंगे कि जो समीकरण है उसमें चर का अधिकतम घात 2 है। जैसा कि हमें यहाँ दिख रहा है कि x जो है इसका मैक्सिमम पावर 2 है, इसके अतिरिक्त कोई x वाला टर्म नहीं है जिसके पावर को हम चेक करेंगे कि इससे बड़ा तो नहीं है, तो सबसे बड़ा घात इसमें 2 है, अतः हम इसको कहेंगे कि दिया गया समीकरण द्विघात है, यानी दिया गया समीकरण द्विघात है, यानी दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है, हमने ये बात सिद्ध किया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को हम इसी तरह देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स, ये हमारे पास समीकरण दिया गया है। इस समीकरण को देखना है कि समीकरण द्विघात है या नहीं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, माइनस 2 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 6, माइनस माइनस प्लस 2x, सारे को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, माइनस 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, हियर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ भी जैसा कि देखने से हमें पता चल रहा है कि दिया गया समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के इक्वल टू 0 के फॉर्म में है, अतः दिया गया समीकरण द्विघात है। दिया गया समीकरण द्विघात है, दिया द्विघात हाँ है, ठीक है, द्विघात समीकरण है या द्विघात है। चलिए अब इसी में का क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। तो हम अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 से एक्स में मल्टीप्लाई तो माइनस 2x, ओके, एक्स से मैंने एक्स में मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर, माइनस 2 से एक्स में मल्टीप्लाई किया माइनस 2x, अब क्या करेंगे, दोनों से हमने एक्स में मल्टीप्लाई कर लिया, अब एक्स से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक्स होगा, और माइनस 2 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 होगा इक्वल्स टू, इसी प्रकार इधर मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, एक्स को 3 से मल्टीप्लाई 3x, माइनस 1 से एक्स में मल्टीप्लाई माइनस एक्स, और माइनस 1 से माइनस प्लस 3 में मल्टीप्लाई माइनस 3। तो इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, यहां लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर टर्म कैंसिल,
सारे को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो माइनस एक्स माइनस टू माइनस टू एक्स माइनस प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, यानी माइनस थ्री एक्स प्लस वन बराबर जीरो। अब देखने से हमें जैसा पता चल रहा है कि उस फॉर्म का इक्वेशन नहीं है, अतः दिया गया समीकरण द्विघात नहीं है। अतः समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है, समीकरण नहीं है। चलिए अब इसी में क्वेश्चन नंबर फोर भी हम लोग इसी प्रकार बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर फाइव भी बना लेंगे, क्वेश्चन नंबर सिक्स भी हम लोग बना सकते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवन को हम देख लेते हैं। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर फाइव सिक्स तक इसी प्रकार आप लोग बनाएंगे, x प्लस टू का होल क्यूब इक्व टू टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन। आप लोग जैसा कि हमने तीन क्वेश्चन आपको समझाया उसी बेस्ड पर आगे के तीन क्वेश्चन है, तो आप उस तीनों क्वेश्चन को स्वयं बनाएंगे। a प्लस बी के होल क्यूब पर इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो जैसा कि हमें पता है a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। टू एक्स से एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो टू एक्स क्यूब माइनस टू एक्स, सारे को लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो एक्स क्यूब प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस फोर थ्री जै ट्वेल्व एक्स प्लस एट माइनस टू एक्स क्यूब प्लस टू एक्स इक्व टू जीरो। इसको सिंप्लीफाई करने पर पावर तीन इसमें चर के अधिकतम घात होंगे, अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है, इसी बात को हम यहां लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर एट भी आप इसी प्रकार के क्वेश्चन हैं, आप एट तक बना लेंगे। तो प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर वन में क्या कहा जा रहा था कि दिया गया समीकरण द्विघात है या नहीं आइडेंटिफाई करें। तो हमने सारे समीकरणों को हमने चेक किया और हम देखे कि कौन समीकरण द्विघात है और कौन समीकरण द्विघात नहीं है। तो इसी प्रकार इस टाइप के क्वेश्चन पॉसिबिलिटी है कि आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आ सकते हैं, तो आप सही ढंग से सिंप्लीफिकेशन को ध्यान रखते हुए काम करेंगे ताकि आपको किसी भी प्रकार का एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर टू की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर टू में दिया गया है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करें, यानी कि यहां जो भी स्थिति दिया गया है इससे हमें द्विघात समीकरण के रूप में सिर्फ व्यक्त कर देने हैं, इसको हल नहीं करने हैं सिर्फ व्यक्त करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर टू का वन क्वेश्चन में दिया है एक आयताकार भूखंड है जिसका क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, इस क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। यहां से हमें कुछ मानने पड़ेंगे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो आयताकार भूखंड है उसकी लंबाई किसके चौड़ाई के दुगने से एक ज्यादा है, मतलब जो भूखंड दिया गया है आयताकार भूखंड उसकी लंबाई क्या है तो चौड़ाई के दुगने से एक ज्यादा, यानी कि चौड़ाई जितना होगा उसके दो गुना से एक ज्यादा होगा। तो हमें चौड़ाई को एक्स मानने पड़ेंगे। माना कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर x, क्वेश्चन के अनुसार क्या कहा जा रहा है लंबाई क्या है तो चौड़ाई के दुगुने से, तो चौड़ाई जितना है उसके दुगुने से एक अधिक, यानी कि उसको दो से गुना कर दिए एक अधिक। तो हमें लंबाई और चौड़ाई पता है, तो क्वेश्चन में क्षेत्रफल दिया गया है, क्षेत्रफल दिया गया है 528। जैसा कि हमें आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे तो लंबाई और चौड़ाई को गुना करेंगे, तो लंबाई गुने चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल होता है, तो लंबाई का वैल्यू इंटू चौड़ाई इक्व टू 528। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 528 क्वेश्चन जीरो। क्वेश्चन के अनुसार क्वेश्चन में कहा जा रहा था द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करें, तो हमने द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कर लिया।
यही हमारा आंसर हो गया। इसी में क्वेश्चन नंबर टू दिया है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। देखो बच्चों, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का मतलब जैसे दो क्रमागत पूर्णांक, तो जैसे 5 और 6 हो गया, धनात्मक संख्याएं कहा जा रहा है, नहीं जीरो से बड़ा लेना है, इस बात का भी ध्यान रखना है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। तो इस ये जो दो क्रमागत संख्याएं किस फॉर्म का है, तो अगर हम x को x मानेंगे, एक को x मानेंगे, तो दूसरा x प्लस 1 के फॉर्म का है। यानी कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक से रिलेटेड जितने भी प्रश्न आएंगे उसमें से एक को x और दूसरे को x प्लस 1 मानेंगे। तो माना कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर x कॉमा x प्लस 1। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इसका गुणनफल 306 है, सिंपल। यानी कि जो दो धनात्मक या दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है उसका गुणनफल 306 है। तो x इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 306। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 306 इक्वल टू 0। ये हमारे समीकरण प्राप्त हुए। क्वेश्चन नंबर टू भी हमने बना लिया। अब क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। तो हम अगर माँ के उम्र को, नहीं रोहन की उम्र को मान लीजिए, यहां रोहन की वर्तमान उम्र, उम्र को हम x वर्ष मानते हैं। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, यानी रोहन की माँ की वर्तमान उम्र बराबर 26 वर्ष बड़ी, यानी x प्लस 26 वर्ष। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, यानी कि 3 वर्ष पश्चात जो आयु का गुणनफल है वो 360 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब 3 वर्ष पश्चात की बात कहा जा रहा है, तो अभी अगर रोहन x वर्ष का है तो 3 वर्ष पश्चात x प्लस 3 वर्ष का होगा। उसकी माँ अगर x प्लस 26 वर्ष की है तो उस 3 वर्ष बाद उसकी माँ का उम्र हो जाएगा x प्लस 29। इसका गुणनफल क्वेश्चन में दिया गया है 360, यानी इक्वल टू 360। ये हमारे इक्वेशन बनेंगे इसी से, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, x को 29 से मल्टीप्लाई करेंगे 29x, 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x, अब 3 से 29 में मल्टीप्लाई करेंगे 87 इक्वल टू 360। अब इसको सिंप्लीफाई कर लोगे, ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर हो जाएंगे। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर अधिक होती या सॉरी कम होती, तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी, तो रेलगाड़ी की चाल को एक मान लीजिए। माना कि रेलगाड़ी की चाल 1 किलोमीटर पर आवर, अब 480 किलोमीटर की दूरी तय करने तो कितने समय लगेंगे? तो 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में देखो, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, ठीक है। अगर हम यहां से समय निकालें तो दूरी बटा चाल, तो दूरी कितना तय कर रहा है, तो 480 किलोमीटर का दूरी बटा चाल, तो किस चाल से, तो x किलोमीटर पर आवर की चाल से। यानी इतना आवर का समय लगेगा 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में। प्रश्नानुसार यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम होती, अगर चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम होती, मतलब चाल x माइनस 8 होता,
तो क्या है, उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लगता है। चलिए x किलोमीटर पर आवर की चाल होता था, 480 किलोमीटर का दूरी तय करने में कितना समय लगता था, 480 बटा x माइनस 8 घंटा का समय लगता, और पहले समय कितना लग रहा था, 480 बटा x आवर का समय लग रहा था अकॉर्डिंग टू दिस। तो अब जो है, अगर चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम होती तो पहले के अपेक्षा 3 घंटा अधिक समय लगता है, यानी 3 घंटा अधिक समय लगता है, यानी पहले अगर 10 घंटा लग रहा था तब 13 घंटा समय लगेगा। तो दोनों को इक्वल करने के लिए प्लस 3 इसमें करने होंगे, तो दोनों हमारे समीकरण इक्वल हो जाएंगे। अब हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, अब इसी को हमें सिंप्लीफाई करने पड़ेंगे। एलसीएम ले लेते हैं, तो 480 अपॉन एक्स माइनस 8 इक्वल टू एक्स, 480 प्लस 3x क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 480x इक्वल टू 480 से x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 480x, ठीक है, और 480 से माइनस 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 8 जा 64, कैरी 6, 8 4 जा 32 और 6 38, ओके अब हम क्या करेंगे, तो प्लस 3x से दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्लस 3x से x में मल्टीप्लाई तो 3x स्क्वायर होगा, फिर 3x से 8 में मल्टीप्लाई करेंगे 24x होगा। अब ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे, नहीं कोई कैंसिल आउट टर्म नहीं होगा, अब हम लोग को क्या करना है, यहां पर 480 और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 3x टू द पावर 4 माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल टू 0, ये हमारे रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया। तो प्रश्नावली 4.1 के ये अंतिम प्रश्न थे जिसको हमने सॉल्यूशन कर लिया, तो आप इन सभी प्रश्नों को अपने नोटबुक में अच्छे तरह से लिख लेंगे। ओके, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है।